ये प्रतापगढ़ का प्रताप है, 45 केस चले प्रतापगढ़ के राजा भैया के खिलाफ, अब तक 45 से 48 केस चले, किसी केस में गवाह सुरक्षित नहीं रहा, किसी केस में सबूत सुरक्षित नहीं रहा, इतिहास में उठा के देख लीजिए। एक बात और आप इसमें गौर कीजिए, क्योंकि हम लोग जो बहुत ही, क्योंकि आप पॉजिटिव आदमी हैं, तो मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं कि सवाल ये पैदा होता है कि ये उनकी बेगम ने बात कही थी कि वो उनको 3 गोलियां लगी थी, और मजे के उन्होंने कहा कि वो कल तक उनका स्टेटमेंट ये भी था कि अगर कोई बात होगी तो मैं उनका फिर दोबारा वो कराऊंगी, पोस्टमार्टम कराऊंगी। लेकिन आज मैंने उनका स्टेटमेंट खुद सुना है, और वो मजे एक दूसरे चैनल के ऊपर बाकायदा उनका वो आ रहा था, और उसमें उन्होंने कहा कि मुझको ऐसा ख्याल था, लेकिन मैं पूरी फिल्म देख रही हूँ और मैं इस रिपोर्ट से संतुष्ट हूँ। अब बताइए आपके कौन सी बात। फारूकी साहब आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा, 2 मिनट और रहिएगा, फोन मत काटिएगा। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं, आप 9 बार के कांग्रेसी विधायक हैं, और जिस क्षेत्र में पूरी वारदात हुई उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से, पत्ते पत्ते से वाकिफ हैं, बहुत सेवा की उस क्षेत्र की तिवारी जी ने। तिवारी जी, जो सवाल समाचार प्लस पर हम उठा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां पर अगर राजा भैया का करीबी गुड्डू सिंह, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है डीएसपी साहब के कत्ल का, अगर वो मौजूद था या नहीं था, मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या इस बारे में सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए? देखिए, जहां तक मुझे समझ में आता है, उन्होंने रोहित सिंह के लिए उस दिन भाषण में कहा था, गुड्डू सिंह के लिए नहीं कहा था। अच्छा, मुझे जो याद पड़ रहा है, मैं मेरी गलत भी जानकारी हो सकती है, गुड्डू सिंह के बारे में उन्होंने ये कहा था कि वो गया हुआ था पैसा निकालने उससे बैंक का जो एटीएम से, वहां उसकी फोटो है। देखिए, एक बात सर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बेवा ने, बेगम ने लिखाई है, उन्हें जो बताया गया है उन्होंने लिखाया है, वो कोई आई विटनेस नहीं है, और उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन गुड्डू सिंह, कौन रोहित सिंह, ना सनाफ है ना गांव का नाम है। तो उस बिचारी ने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही, जिसको मैं कहूंगा, मैं तो उसके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इस आतंक गुंडागर्दी के खिलाफ वो एक मजबूती से एक ऐसी नारी शक्ति खड़ी हुई है कि सचमुच उसको सलाम करता हूँ मैं। उसने दृढ़ता से लिखाया। तिवारी जी, पूरी विनम्रता के साथ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल शायद अनुत्तरित रह गया इस पूरी चर्चा में। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि अगर राजा भैया ने किसी एक्स वाई जेड का भी नाम लिया होगा, वो गुड्डू हो, वो पुड्डू हो, वो चंबू हो, वो चंपू हो, वो चिंटू हो, वो कोई भी हो, किसी का भी नाम लिया होगा और ये कहा होगा कि वारदात के वक्त वो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम कर रहा था मेरे साथ, तो क्या इस पूरे मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सफाई नहीं आनी चाहिए कि हाँ वो था या नहीं था? क्योंकि गुड्डू और रोहित, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो ये दोनों नाम FIR में शामिल हैं। नहीं, मैं कंफ्यूजन नहीं हो रहा हूँ, मैं इन दोनों को जानता भी हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो विधानसभा में बोला गया था, आपने तो हियर से सुना होगा, मैं तो बगल में बैठ के सुन रहा था। जो उन्होंने कहा था वो ये कहा था कि रोहित सिंह मेरे साथ गया था, मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे मैं पहुंचा तो मुझसे पूछा गया कि अपॉइंटमेंट है कि नहीं है, मैंने बताया कि नहीं इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, मैं गया और मैं मुख्यमंत्री से मिला। तो इन दोनों का नाम FIR में आना गलत है जी? तो इन दोनों का नाम FIR में आना गलत है फिर? मैं बिल्कुल दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि गलत नहीं हो सकता। किस आधार पे आप गलत कह रहे हैं? मुझे दोनों बात सही कैसे हो सकती है? यानी कि कमाल फारूकी साहब सही कह रहे थे, यानी कमाल फारूकी साहब सही कह रहे हैं कि साहब वारदात को अंजाम देने के बाद हो सकता है कि प्रतापगढ़ से चलकर वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे हों, हो सकता है पॉसिबिलिटीज। ये मैंने कहा कि वो घटनास्थल पर नहीं था। मैंने कहा आपसे, या मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। देखिए, लीगल पोजीशन यहाँ पर, कृपया थोड़ी सी मार्जिन मुझे दे दें, मैं वकालत करता हूँ इस तरह। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी ने या उनके सीसीटीवी कैमरे को देख के आप ये कह रहे कि वो नहीं था? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक रोहित सिंह का नाम लिया, अब वो वहां था या नहीं था ये सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट होगा। मुख्यमंत्री से आप पूछिए, वो बताएंगे वो किसी से मिले भी थे या नहीं मिले थे।
ये इसका जवाब आप मुझसे कैसे नहीं, ले नहीं, रहे नहीं, कैसे नहीं ले रहा हूँ। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ तिवारी जी, अमिताभ जी एक मिनट, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना नहीं चाहिए था? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आप उनसे पूछिए ना, उनसे जब कोई पूछेगा कॉम्पिटेंट पर्सन, इन्वेस्टिगेशन करने वाला पूछेगा। आज 80 पत्रकार थे, आज प्रताप, आज बलीपुर गांव में 80 पत्रकार थे, सबने पूछा था, मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। अब ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। ये मुख्यमंत्री जी और आपके बीच की बात है, उन्हें कब बोलना है क्या बोलना है ये वो तय करें, क्या कहना है उनको तय करें। मैं तो सीधे सीधे एक बात कहता हूँ कि जो कुछ भी रिपोर्ट में लिखाया गया है उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी दृढ़ता से कार्रवाई होनी चाहिए, और जिनके खिलाफ लिखाया गया है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तिवारी जी, अमिताभ जी हमारे मैनेजर रिटायर हैं, हमेशा से एक बात कह रहे हैं। एक सेकंड अतुल, प्रमोद जी मैं आपसे उस पर उत्तर नहीं मांग रहा था, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था क्या यह नैतिकता का तकाजा नहीं कि इतने बड़े जघन्य कांड में जो लोग नामित हो उनकी उनकी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर प्रेजेंस का दावा किया जाए और उस पर नॉन कमिटल रहे सरकार। एक पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर दो, जो दो घंटे पहले तक जो व्यक्ति कबीना में मंत्री था, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नेता था, वो व्यक्ति दो घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि डीजीपी उत्तर प्रदेश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश अवेयर नहीं थे कि डीसीपी को मार दिया गया, ये मैं था जिसने अखिलेश जी को जाके बताया। क्या यह सवाल नहीं उठता कि उस प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश के डीजीपी और एडीजी, अगर राजा भैया सच है तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी की भूमिका पर सवाल उठता है, ये किस लिए पद पर है अगर इनको यह भी जानकारी नहीं रहती कि तीन घंटे पहले इनका डीसीपी मार दिया गया, 3.5 घंटे पहले। सवाल ये है, सवाल बड़ा सीधा सा है तो जवाब भी बड़ा सीधा सा है। मुख्यमंत्री से वो प्रेस को जवाब देंगे या जवाब देंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, ये उनको बताना है। डीजीपी को ये बताना है कि वो उनको पहले से सूचना थी या इन्होंने सूचना दी, ये दोनों क्या, ना मैं वो पर्सन हूँ ना मैं बता सकता हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, चलिए बहुत धन्यवाद आपका। जब आप स्पोक्स पर्सन नहीं है और आप अपनी राय नहीं रखना चाहते, अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कहते थे कि जब कुंडा के गुंडा राजा भैया की बात आती है, जो कल्याण सिंह कुंडा गुंडा कहते हैं, मैं तो कहने की हिमाकत कर ही नहीं सकता, मुझे भी डर लगता है। खैर, आप बिल्कुल सही कहते थे कि जब जब राजा भैया का जिक्र होता है प्रतापगढ़ से जुड़ा कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। सोम भाई, सही कह रहा हूं मैं? आपको यह अधिकार मैं नहीं देता कि आप मुझे साजिश करते हैं। धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। संजीव सिंह सोम के पास चलेंगे। सोम साहब, सवाल बड़ा सीधा सा है, मुख्यमंत्री जी जवाब देने को तैयार नहीं, जिनको जवाब मांगना चाहिए वो जवाब मांगने को तैयार नहीं, हम पत्रकार लोग, वो लोग कह रहे हैं कि अजीब हाल है कि सरकार तय करे वो कहां जवाब देना चाहती है नहीं देना चाहती है, ये विपक्ष है। प्रमोद तिवारी जी जैसे नेता, इतने बड़े नेता, 9 बार से विधायक, लगातार कभी नहीं हारे, इतने बड़ा कद और सवाल करने को तैयार नहीं। संजीव जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? संजीव जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट कट के आ रही है जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आखिरकार विपक्ष का कोई भी नेता सामने आकर कोई सवाल क्यों नहीं पूछता इस पूरे मामले पर, बसपा को छोड़ के? देखिए, वास्तविकता ये है, इस पूरे मामले में, ये विधानसभा में भी 3 दिन से मामला चल रहा है, 3 दिन से हम इसे देख रहे हैं, पूरे मामले में जो लग रहा है इसमें समाजवादी की अंदरूनी आपस की राजनीति लग रही है, जो एक तरीके से मैनुपलेट करके राजनीति करी जा रही है। इसमें पूरे मामले में इसीलिए कोई विपक्ष का बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जब ये कहा गया कि मैं, जो राजा भैया का बयान था, उन्होंने ये कहा कि रोहित सिंह या गुड्डू सिंह मेरे साथ था, तो ये वास्तविकता मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि वो साथ था या नहीं था। भाई, जब ये पता लगेगा वो साथ था या नहीं था, तभी तो आगे कोई एजेंसी भी जांच करेंगी, तभी पत्रकार उसमें कुछ कहने की कोशिश करेंगे या कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। ये आप अच्छे तरीके से मानते हैं कि मुख्यमंत्री भी इस मामले को पूरे तरीके से, पता नहीं किस तरीके से, ढुलमुल रवैये में, उनका ढुलमुल रवैया जो है उसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर राजा भैया की
बात सुने, जब उन्होंने कहा वहां खड़ा होकर अपना वर्जन रखा और वर्जन रखने में उन्होंने कहा कि मैं उस समय मुख्यमंत्री आवास गया, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को तब तक यह भी नहीं पता था कि मेरे एक डिप्टी एसपी की मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। आप इससे ये मानिए कि कितना प्रशासन फेल होगा कि डीएसपी की हत्या हो जाती है और उसे 3 घंटे बाद भी पता नहीं होता, ठीक है, कि हमारे डीएसपी की हत्या हो गई। ठीक है, तो इस सारे मामले में जहां तक हम पहुंचे हैं, आज दिन में भी काफी लोगों से बात हो रही थी, जहां तक हम पहुंचे हैं यही है कि सरकार की इसमें अंदरूनी कोई राजनीति है जो ढुलमुल रवैया सरकार इसमें अपना रही है। थोड़ा और तस्वीर साफ कीजिए जी, थोड़ी तस्वीर और साफ करिए। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि इसमें नाम लेकर अगर आप बोलेंगे तो हमारे 18 करोड़ दर्शकों को अच्छा लगेगा। सोम भाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा लिया, सड़क पर नहीं उतर आई। भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी की टिप्पणी क्या थी, कोट करूं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, सपा और बसपा जब जब शासन में आते हैं अपराध बेलगाम हो जाते हैं। इतश्री सत्यनारायण कथा पंचमो अध्याय पूर्ण, ये प्रतिक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी के, सड़कों पर उतरी नहीं उतरी। असलियत में है क्या, आज की तारीख में पूरे प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है, पूरे प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है। अब आप देखिए, 2 दिन पहले राम बाबू गुप्ता की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछो कोई बोलने को तैयार नहीं। ये जो एक तरीके की राजनीति चल रही है इसका समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए हम लोग भी ये एक मिनट सुन लीजिए, इसीलिए आप लोग शांत बैठ गए, बोले समझ नहीं आ रहा, जब समझ आएगा तो कुछ करेंगे। नहीं नहीं, कोई शांत नहीं बैठा, हम शांत नहीं बैठे ना, इस मामले पर शांत बैठने वाले हैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा ना कुछ। मैंने यही बात लक्ष्मीकांत वाजपेयी से भी पूछी थी, हमें तो दिख नहीं रहा कहीं कुछ, हमें तो कहीं नहीं देखा, हमें नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के सांसद कहीं आंदोलन करने निकल पड़े हो सड़क पर, उत्तर प्रदेश से भाजपा के सांसद लोग जाके धरने पर कहीं बैठ गए हो, ऐसा मैंने तो कहीं सुना नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल भी हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और कुछ विधायक वहां जा रहे थे जहां राम बाबू की हत्या हुई है, पुलिस ने नहीं जाने दिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया रास्ते में। नहीं नहीं, ये तो सबसे अच्छा काम होता है कि जहां नहीं जाने को मिलेगा वहां के लिए निकल पड़ो और पुलिस को बता दो भाई 11 बजे पहुंचेंगे, थोड़ा व्यवस्था करके रखना सर्किट हाउस में, ये हमने देखा 25 साल। नहीं, ये किसी और पार्टी की धारणा रही होगी इस तरीके की, भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके की धारणा नहीं है। ठीक है सोम साहब, भारतीय जनता पार्टी की, सोम साहब, वक्त हमारी चर्चा का खत्म हो चुका है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, बहुत संक्षेप में हम चाहेंगे कि संवाद की टिप्पणी दें आप। देखिए, मैं फिर वही मूल सवाल उठाता हूं, अपराधी जो गिरफ्तार हुआ इस संवेदनशील मामले में, वह व्यक्ति मुख्यमंत्री के आवास गया या नहीं गया, इस बात का जवाब आना चाहिए, जांच कोई करे। और दूसरी बात, ये सब हम लगातार 4 दिन से उठा ही रहे हैं ये सब प्रश्न कि गोली कैसे चली, वो गोली बरामद क्यों नहीं हुई, वो कारतूस गया तो गया कहां, खोखा। और इस सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, आज देर शाम अतुल सीबीआई ने काम शुरू किया है, ये जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी कि इस मामले में कम से कम कुंडा का इतिहास नहीं दोहराया जाए। ठीक है, गवाह सुरक्षित रहे, गवाह मिले, सबूत मिले और सबूत सुरक्षित रहे, अन्यथा न्याय नहीं मिल पाएगा जी, अन्यथा न्याय नहीं मिल पाएगा। और हम लगातार जो हमारी खबरें हैं ये हम फेसबुक और ट्विटर पर भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं, हजारों की तादाद में हमको हर रोज मैसेज मिल रहे हैं। आज यूनुस मोहानी साहब हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं शाह नवाज मेमोरियल फाउंडेशन लखनऊ से, उन्होंने 4 लाइनें लिखकर मुझे भेजी है, मैं चाहूंगा कि वो उनके हवाले से मैं यहां पर कोट करूं, उसके बाद इस शो को खत्म करूंगा। मोहानी साहब कहते हैं कि हर एक लफ्ज झूठ का पुलिंदा है, हाकिम मानने को तैयार नहीं कि राजा गुंडा है, जांबाज था वो डीएसपी जो जान लुटा गया, खुली फिजा में घूमता कुंडा का गुंडा है। ये यूनुस मोहानी साहब का मानना है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं शाहनवाज मेमोरियल फाउंडेशन के, लखनऊ से आप लिखते हैं। लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, सवाल बड़ा यह है कि जिस समुदाय विशेष का झंडा बरदार होने की घोषणा कवायद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को मौलाना मुलायम सिंह कहलवाना पसंद करने वाले माननीय मुलायम सिंह जी यादव
और उनके सुपुत्र अखिलेश जी की सरकार लगातार कर रही है, पार्टी लगातार कर रही है, उसी समुदाय में अगर इतना बड़ा गुस्सा देखा गया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने का ख्वाब संजोए मुलायम सिंह जी यादव के ख्वाब का होगा क्या? क्या इतनी बुरी स्थिति में मुलायम सिंह जी